लिंक्डइन पर ग्रुप कैसे क्रिएट करें, ग्रुप की मार्केटिंग कैसे करें, या फिर ग्रुप से आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि लिंक्डइन के ऊपर एक प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाएं, कंपनी के लिए एक पेज कैसे क्रिएट करें, न्यूज़लेटर कैसे क्रिएट करें, या फिर आर्टिकल कैसे पोस्ट करते हैं, ये सभी हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। उन सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन वीडियो को फॉलो करके अपनी कंपनी के लिए लिंक्डइन पर मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं। आपको उन सब वीडियो से डेफिनेटली फायदा हो रहा होगा। हो सकता है आपकी कोई क्वेरी या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लिंक्डइन ग्रुप मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं कि लिंक्डइन पर जो ग्रुप क्रिएट करते हैं वह कैसे करते हैं और उसके क्या बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफेशनल नेटवर्क का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ आप अच्छे से अच्छा और हर इंडस्ट्री का एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसलिए लिंक्डइन पर आपका पेज होना, प्रोफाइल होना, न्यूज़लेटर पर आपके पर्टिकुलर न्यूज फीड जाना या फिर ग्रुप होना बहुत जरूरी है। आप अपनी कंपनी से रिलेटेड, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड लिंक्डइन पर अपने प्रोफाइल जरूर क्रिएट करें। आइए अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और दिखाता हूं कि एक प्रोफेशनल ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। आप अपने लिंक्डइन अकाउंट में लॉगिन होइए और लॉगिन होने के बाद आपको यहां पर ग्रुप्स करके एक आइकन दिख रहा है, आप ग्रुप के ऊपर क्लिक करें और ग्रुप में आपको वो सभी ग्रुप दिख जाएंगे जो मैं ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ हूँ या मेरे फिर जो ग्रुप है। यहाँ क्रिएट ग्रुप का एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट ग्रुप पर क्लिक करें और यहाँ पर आप ग्रुप का नेम डालें कि जिस नेम से आप अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं। मैं यह ग्रुप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के नेम से बना रहा हूँ। आप यहाँ पर ग्रुप का डिस्क्रिप्शन डालें, उसके बाद यहाँ उसके नीचे दिया हुआ है कि इंडस्ट्रीज अप टू, आप तीन इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट, बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज। लोकेशन आपको डालनी है, जैसे हमारा दिल्ली में है तो मैं यहाँ पर दिल्ली। आप यहाँ पर रूल भी लगा सकते हैं कि आपके जो ग्रुप है उसके क्या क्या रूल्स हैं और इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यह फिल करना जरूरी है। यहाँ ग्रुप का एक आइकन आपको लगाना है। अब आप यहाँ पर अपने सिस्टम से जो भी आपका बैनर है, कवर इमेज है, उसको ऐड करें, अप्लाई। अब यह एक प्रोफेशनल ग्रुप बन चुका है, आप इसको क्रिएट करें और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं पब्लिक, प्राइवेट, आपको पब्लिक करना है और अलाउ मेंबर टू इनवाइट देयर कनेक्शन ये टिक करना है, रिक्वायर न्यू पोस्ट टू बी रिव्यूड बाय एडमिन ये टिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी पोस्ट ग्रुप में आए उसको पहले एडमिन अप्रूव करे, ये होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई उल्टा सीधा पोस्ट आपके ग्रुप में डाल दे और ग्रुप का रेपुटेशन डाउन हो जाए, इसलिए यह टिक करना जरूरी है। अब यह दे रहा है कि अनदर ग्रुप इज ऑलरेडी यूजिंग दिस नेम, प्लीज यूज ए डिफरेंट नेम। डिजिटल मार्केटिंग बाय पॉइंटर सॉफ्ट के नाम से क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। मैं ये फिर से लगा देता हूं आइकन। अब क्रिएट पर क्लिक करें। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यह क्रिएट हो चुका है, डिजिटल मार्केटिंग बाय पॉइंटर सॉफ्ट के नाम से ग्रुप बन चुका है। अब यहाँ पर वेलकम टू न्यू मेंबर्स, ऐड वेलकम नोट, आपको वेलकम नोट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो भी इनवाइट करना चाहते हैं यहाँ पर इनवाइट कनेक्शन करें और इनवाइट कनेक्शन करने के बाद यहाँ जो आपके फ्रेंड लिस्ट में मेंबर दिए हुए हैं आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, आप उनको इनविटेशन सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये इनविटेशन इन सभी लोगों के पास पहुँच चुका है और उसके बाद आप अपने ग्रुप में जो भी पोस्ट डालना है, जो भी आपको पोल डालना है, तो वह सिंपल जैसे आप लिंक्डइन प्रोफाइल में डालते हैं यहाँ भी सेम प्रोसीजर होता है। अब आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पर जो पोस्ट डालने हैं या फिर अपने ग्रुप में जो पोस्ट डालने हैं, ग्रुप पर मैक्सिमम रीच कैसे पहुँचे या ग्रुप में मैक्सिमम लोग कैसे ऐड होंगे,
यह सबसे जरूरी है कि यहाँ पर आप जो भी कंटेंट डालते हैं उसमें 80% जो कंटेंट होता है वह इंफॉर्मेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होना चाहिए, कुछ नॉलेज वैल्यू ऐड करने वाला कंटेंट होना चाहिए, 20% कंटेंट ही सेल्फ प्रमोशन का होना चाहिए, अदरवाइज लोगों का इंटरेस्ट आपके ग्रुप में नहीं रहेगा। आपको उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करना है जो आपके ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, और वह सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू ऐड करके ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं होता। आपको अपने कंटेंट में वैल्यू ऐड करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करना है। सेल्फ प्रमोशन आप मिनिमम से मिनिमम रखें, क्योंकि जब आपका ग्रुप फेमस हो जाएगा तो हो सकता है आपको सेल्फ प्रमोशन की ज़रूरत ना पड़े। यह ग्रुप आपका है, आपको एंगेजमेंट बढ़ानी है, और वह एंगेजमेंट बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, वह है कि आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा आपके ग्रुप में उतना ही ज़्यादा एंगेजमेंट होता जाएगा। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने ग्रुप में अपलोड करें, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें कि आप वीकली अगर पोस्ट कर रहे हैं तो वीकली आपकी पोस्ट जानी ही जानी चाहिए। अगर आप डेली पोस्ट करते हैं तो कोशिश करें डेली कुछ ना कुछ आप एक पोल बनाकर डाल सकते हैं, आप एक कंटेंट डाल सकते हैं, आप एक ग्राफिक्स बनाकर डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करता है आप डाल सकते हैं, एक वीडियो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन पर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट के ऊपर, क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर लिंक्डइन पर आप खुद से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।